अस्सलामुअलैकुम गाइस, भाई बहन को सबको सलाम मेरी तरफ से। और आप खैरियत से रहें, अपने आप घर में खैरियत से रहें और कोरोना वायरस से बचें, लड़ें। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं एक बच्चा का काली मुर्गी का है पहले से, वो जो है ना बीमार हो गया, उसको जुकाम हो गया था। अभी देखते हैं क्या हाल है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसा। ये अभी भी जिंदा है लेकिन अभी जो है ना आखिरी सांस ले रहा है। वो तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर आवाज़ आ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं जिंदा है, ये देखें, ये देखें। ये तकरीबन मेरे ये 11 बच्चे थे, ऐसे जैसे तकरीबन 11 बच्चे थे, तकरीबन ऐसे 11 बच्चे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई है इसमें। ये देखें, ये कैसी हालत हो गई है, ये कैसे मर रहा है, ये देख सकते हैं आप। अभी भी जिंदा है तकरीबन, ये तकरीबन अभी भी जिंदा है। अभी जो है ना इसको तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। ये तकरीबन मेरे 11 बच्चे थे, 11 बच्चे सारे ही ऐसे मर रहे हैं। मैं आपको ये एक ही बच्चा दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले इनका इलाज हो। इनका इलाज जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा फ़ायदेमंद होगा। और भी अभी जो है ना इसकी अम्मी अभी और भी अंडे दिए हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। वो अंडे के ऊपर बिठाइए, दे सकते हैं आप। मैं जो है ना आपको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना मैं आपको नई नई वीडियो भेजता रहूँगा। जैसे आप जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे उसको मेरी वीडियो नहीं पहुँचेगी। वो ऐसा कि ऐसे होता है कि जो मेरा सब्सक्राइब करेगा जो बंदा, उनको ये वीडियो मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर। ये देख सकते हैं, ये भी मैंने इतने बच्चे थे अभी मैंने बड़े किए हैं। ये मुर्गा लिया था लेकिन ये मिस्री के हैं और ये बतख भी लिया था छोटा सा, ये बड़े हो गए हैं। लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, ये मुर्गी का है, देसी असल मुर्गी बोलते हैं। असल मुर्गी को बीमारी नहीं आती, फिर भी जो है आप देखें कैसी बीमारियां आती हैं बहुत सारी। ये देख सकते हैं, ये भी इतने बच्चे थे, इससे भी छोटे। मैंने 2 महीने में ये बड़े किए हैं और वो बतख भी है, बतख भी बड़ा किया है। ये मैं घर में ही शौक करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। अभी जो है ना बहुत सारे ये देख सकते हैं, ये बतख लोग बतख के ऊपर ही चढ़ रहा है। ये मुर्गा हो गया, वो भी मुर्गा है, दोनों इसके ऊपर ही चढ़ते हैं। अभी इनको मुर्गियाँ लेके देंगे, वो भी मिस्री होंगी। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये जाके सब जा रहे हैं, बोलते हैं वीडियो नहीं बनाओ हमारी, बहुत शर्म आती है इनको। अभी ये देख सकते हैं आप, अभी इनका क्या हाल किया जाए। ये अभी भी ज़िंदा है थोड़ा बहुत। ये देख सकते हैं आप, मैंने बोला ना 5-10 मिनट मर ही जाएगा, ये अभी मर गया है। ये देखें आप, ये इसका मुर्गा, मैं आपको मुर्गा भी दिखाऊंगा। ये वाला मुर्गा है इसका, ये इसका अबू है। वो काली वाली जो मुर्गी मैंने आपको पहले दिखाई थी वो मुर्गी थी, ये इसका मुर्गा है, ये देख सकते हैं आप। आप ये बताएं मैं इसका क्या हल किया जाए, इसकी जो है ना मैं कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी बीमारी है और इसका क्या इलाज है। ये देख सकते हैं, ये भी छोटे बच्चे थे मैंने पाले थे।
एक वो दूसरी मुर्गी है उसका जो है ना सारे बहुत सारे पर आए थे, मैंने निकाल दिए हैं सारे पर निकाल दिए इसलिए कि दूसरे पर आएंगे, पूछ वाले पर निकाल दिए मैंने। बहुत अच्छी मुर्गी है ये भी।